हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, हमने पूरी ऑर्गेनिक केक सीरीज कर रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहली क्लास में अपना इंट्रोडक्शंस पढ़ा, फिर हमने ये पढ़े कि क्या नाम किस तरह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और फिर उसके बाद हमने अगली क्लास में डिग्री देखी कार्बन की, हाइड्रोजन की, एल्कोहल की और अमाइंस की। आज बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं कि अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने फंक्शनल ग्रुप यूज होते हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, फंक्शनल ग्रुप होता है हमारा एल्केन। एल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या है, एल्केन की अगर बात करें तो इसका जनरल फॉर्मूला आप ये भी लिख सकते हैं, CnH2n+2। ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला है। और प्रीफिक्स और सफिक्स, प्रीफिक्स वो होते हैं, देखो भाई जब आप IUPAC नेम लिखते हैं तो हमारे पास जो नाम में पीछे लगे होते हैं यहाँ पर, वो हमारे सफिक्स होते हैं, और जो आगे आ रहे हैं बच्चों वो प्रीफिक्स होते हैं। आगे वाला प्रीफिक्स है और पीछे वाला जो यूज़ हो रहा है वो बच्चों हमारा क्या है, सफिक्स है। किसमें, कार्बन चेन जो होती है उसके बाद लग रहा है तो समझ लो वो है सफिक्स है, और पहले यूज़ हो रहा है तो वो हमारा क्या है, प्रीफिक्स है। तो अगर हम प्रीफिक्स की बात करें इसकी, किसकी, एल्केन की, तो बच्चों वो होता है एल्काइल और सफिक्स इसका होता है एन। एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। दूसरा हमारे पास है एल्कीन। एल्कीन में क्या होगा, इसका जो जनरल फॉर्मूला है आप चाहो तो बच्चों ये भी लिख सकते हैं, CnH2n। इसमें एक डबल बॉन्ड होता है और इसका हमारे पास होता है एल्किनाइल, और इसका जो आपका सफिक्स होता है वो होता है ईन। फॉर्मूले में आप कुछ भी रख सकते हो, एन की वैल्यू मैंने यहाँ पर 2 रख दी, वो आ गया। ऐसे ही हमारे पास होता है एल्काइन। तो देखो बच्चों, एल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला है आप चाहो तो इसको CnH2n-2 भी लिख सकते हो। ट्रिपल बॉन्ड होगा, प्रीफिक्स में इसके एल्किनाइल लगेगा और इसके सफिक्स में YnE लगता। क्लियर रहती बात। दूसरा होता है बेंजीन। बेंजीन आपने देखी होगी, ये आपकी बेंजीन है। क्या बच्चों, ये बेंजीन है। इस बेंजीन से जो भी कंपाउंड बन रहे हैं उनको बच्चों हम बोलते हैं बेंजीन डेरिवेटिव। तो आप कोई भी जोड़ सकते हैं। ये जो R है ये दिखा रहा होता है एल्काइल ग्रुप को। किसको दिखा रहा है बच्चों, ये एल्काइल। एल्काइल मतलब कि आपका CH3 हो सकता है, आपको CH2, CH3 हो सकता है, कुछ भी आपकी कार्बन चेन हो सकती है, वो आपका ही शो कर रही है। ठीक है, अगर ये प्रीफिक्स है तो फिनाइल है, और अगर सफिक्स है तो ये आपका बेंजीन है। अगला होता है टॉलिन डेरिवेटिव। टॉलिन क्या है, देखो बच्चों, ये अगर बेंजीन के ऊपर अगर हम CH3 को जोड़ दें तो इसे बोलते हैं टॉलिन। क्या बोलते हैं इसे, टॉलिन। और इसका ही जो डेरिवेटिव, मतलब इसमें से आप एक H को हटा के कुछ भी जोड़ दो, वो जो इससे बना हुआ होता है उसे बोलते हैं टॉलिन डेरिवेटिव। क्लियर है बात इतनी। अगला है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन क्या होते हैं, जो आपके एल्केन हैं, इन एल्केन में से आप क्या करें, हाइड्रोजन को हटा के हैलोजन जोड़ दो। किसको हटाओ, हाइड्रोजन को हटाओ, हैलोजन को जोड़ दो। जो आपको ये एक्स नजर आ रहे हैं बच्चों, ये फ्लोरीन हो सकते हैं, क्लोरीन हो सकते हैं, ब्रोमीन हो सकते हैं और आयोडीन हो सकते हैं। ऐसा ही होता है एल्कोहल। एल्कोहल आपको पता ही है OH ग्रुप, ROH। इसका अगर हम प्रीफिक्स देखें तो हाइड्रोक्सी है, और इसका सफिक्स देखें तो OL है। वो कोई भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। क्लियर है बात इतनी, फटाफट इसको लिखे, फिर देखते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप। तो अब देख रहे हैं हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले हमारा क्या है, कीटोन। तो बच्चों कीटोन क्या होता है कि हमारे पास जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप हो, और इन दोनों तरफ कोई ना कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो। जैसे कि भाई CH3 जुड़ सकता है, इधर भी कुछ जुड़ सकता है, जैसे CH2, CH3, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो, हाइड्रोजन ना हो। अगर एक तरफ हाइड्रोजन होगा तो वो बच्चों क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। तो जो हमारे कीटोन होते हैं उसका प्रीफिक्स ऑक्सो या कीटो लगा सकते हो, और उसका सफिक्स क्या होता है, ONE। इसमें हमारे पास फॉर्मल या फिर हम इसका जो सफिक्स है वो बच्चों क्या है, AL। क्लियर इतनी बात। अब एसाइल हैलाइड, आपके पास जो ये था, जो आपके पास क्या था, एल्डिहाइड था, उसमें आप क्या करें, हाइड्रोजन को हटा दें और उसकी जगह हैलोजन को लगा दो। किसको, हैलोजन। और हैलोजन आपको पता है कौन कौन से हो सकते हैं, फ्लोराइड, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। अगर फ्लोरीन जुड़ा हुआ है तो उसका नाम होता है कार्बोनो फ्लोराइडल, और अगर क्लोरीन होगा तो क्लोराइडल हो जाएगा, और अगर ब्रोमो होगा तो ब्रोमोआइडोल हो जाएगा, और आयोडीन ऑयल हो जाएगा। अगर इसका हम सफिक्स नेम देखें तो होता है ऑयल हैलाइड। क्लियर है बात इतनी। अब देखो बच्चों, कार्बोनेट आपके पास होता है RCROCOR। इसका जो होता है इसे अल्कोक्सी कार्बोनिल, या इसे हम ऑक्सी बोलते हैं, और इसका जो होता है प्रीफिक्स सफिक्स नेम जो है वो एल्काइल कार्बोनेट है। क्लियर है इतनी बात। दूसरा होता है कार्बोक्सिलेट, RCO- को कार्बोक्सिलेट, इसका प्रीफिक्स हमारा कार्बोक्सी है और सफिक्स इसका बच्चों हमारा क्या होता है, ओएट। इतनी बात क्लियर है, तो फटाफट इसको नोट करें, फिर देखते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप।
तो अब बच्चों देख रहे हैं नए फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहला है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको पता है कौन सा ग्रुप होता है, COH। इसका अगर प्रीफिक्स होता है तो उसमें बच्चों कार्बोक्सी, सफिक्स है तो ओइक एसिड। क्लियर है इतनी बात। एस्टर, एस्टर में क्या होते हैं, जो ये एच है उसको रिप्लेस कर दो किसी भी एल्काइल से, CH3 से, CH2, CH3 से, किसी से भी आप रिप्लेस कर सकते हो। उसका प्रीफिक्स होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल और उसको हम लगाते हैं उसमें OH। क्लियर है इतनी बात। हाइड्रोपरोक्साइड, परोक्साइड देखो क्या होता है बच्चों, जिसमें भी OO लिंकेज आ जाती है ये हमारी परोक्साइड लिंकेज होती है। तो ROOHR-, R मतलब एल्काइल ग्रुप, इसका होता है हाइड्रोपरोक्सी या फिर एल्काइल हाइड्रोपरोक्साइड। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद ईथर, ईथर होता है कि हमारे पास जो भी ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन से दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप जोड़ दो, या तो CH3 जोड़ दो या CH2 CH3 जोड़ दो। तो ये बच्चों क्या होते हैं ईथर। ईथर में होता है एल्कोक्सी और उसका हम जो सफिक्स नेम लिखते हैं उसमें ईथर है। ठीक है बच्चों। हेमी एसिटल, हेमी एसिटल क्या होते हैं कि मान लो आपके पास एक कार्बन है, इस कार्बन से आपने एक एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया और एक तरफ मान लो H, दूसरे में आपको एक OH ग्रुप जोड़ना पड़ता है और दूसरे में OCH3 जोड़ सकते हो, CH2 CH3। मतलब एक में OH ग्रुप होगा, दूसरा OR होगा, R मतलब एल्काइल। अगर उसमें भी अगर मैं इस H को रिप्लेस कर दूं किसी भी एल्काइल ग्रुप से, जैसे OH, OCH3, यहाँ पर मैंने CH3 जोड़ दिया और यहाँ पर CH2 CH3 जोड़ दिया। क्लियर है बात इतनी। तो ये बन जाता है बच्चों आपका हेमिकेटल। अगला अगर एसिटल की बात कर रहे हैं तो देखो एसिटल के अंदर दोनों भी, यहाँ पर भी H को हटा दो और उसकी जगह CH3 जोड़ दो। क्लियर है बात इतनी। और होता है ऑर्थो एस्टर। तो ऑर्थो एस्टर के अंदर क्या होगा बच्चों, तीनों ही आपके, यहाँ पर भी मान लो OCH3 है, यहाँ पे मान लो OCH2CH3 है, यहाँ मान लो OCH2CH2CH3 है और यहाँ पर आपका कोई भी CH3 ग्रुप है। क्लियर है। तीनों पोजीशन पर आपके OR ग्रुप होंगे, एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफर भी हो सकते हैं। इतनी बात क्लियर है आपकी, फटाफट नोट करें, फिर देखते हैं अपने अगले फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है, हेट्रोसाइकिल। क्या बच्चों, हेट्रोसाइकिल। इसमें हमारे पास जो पीएच आपको दिखाई दे रहा है ये आपके क्या है, फिनाइल, यानी कि मैंने आपको बताया था जो ये बेंजीन रिंग है अगर ये साइड चेन में होती है, इससे कोई चीज़ जुड़ी होती है तो बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं, फिनाइल। तो इसका प्रीफिक्स नेम होता है मिथाइलिन डाइऑक्सी और सफिक्स नेम होता है डाइऑक्सिल। क्लियर है इतनी बात। अब होता है अमाइड। ठीक है बच्चों, RCONH2 ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों, इसका नाम जो होता है कार्बोमाइल और सफिक्स नेम इसका बच्चों होता है अमाइड। क्लियर है। अमाइन, हमारे पास जो अमोनिया है बच्चों, देखो ये होती है अमोनिया, इस अमोनिया में आपको H दिखाई दे रहे हैं, उन H को निकालो, एक एल्काइल ग्रुप को जोड़ दो। एल्काइल ग्रुप आपको पता ही है CH3 हो सकता है या CH2 CH3 हो सकता है, तो बनता है अमीनो और अमाइन, मैंने लिख दिया। अगर आप एक और H को निकालो तो ये बन जाएगा R2NH, एक और H को निकालो तो ये बन जाएगा, और उसके बाद अगर एक को और जोड़ोगे तो बन जाता है अमोनिया या अमोनियम। क्लियर है इतनी बात। इन सबके नेम तो सेम ही है। उसके बाद होता है इमीन। इमीन जो होता है इसमें डबल बॉन्ड आ जाता है, जो ऊपर वाले थे इनमें क्या आ गया कि डबल बॉन्ड। तो अगर RC डबल बॉन्ड NH है तो ये इमीन है, और अगर एक H को हटा के एक एल्काइल ग्रुप और जोड़ दो तो भी इमीन होता है, और अगर हम RCO होल ट्वाइस NR- है तो उसको बोलते हैं बच्चों इमाइड। इसका जो नाम होता है वो इमीडो और इमाइड होता है। बहुत ही ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये बहुत फेमस, इसका क्या नाम आपको याद रखना है, काफ़ी यूज़ होगा, सक्सीनामाइड। ये हमारे पास काफ़ी एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल, आप याद रखोगे सक्सीनामाइड। क्लियर है इतनी बात, फटाफट इसको नोट करें, फिर देखते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप। तो बच्चों अब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है एजो कंपाउंड। क्या एजाइड में क्या होता है, RN3 इसे बोलते हैं एजाइड। इसका जो प्रीफिक्स होता है बच्चों उसे बोलते हैं एजिडो और इसका सफिक्स होता है एजाइड। क्लियर है बात इतनी। एजो कंपाउंड, उसमें हमने क्या करा था, RN3 था, यहाँ पर होता RN2R, एजो और डाइएजिन, ये इसका क्या है सफिक्स। ऐसे हमारे पास होता है साइनेट्स, ROCN इसका जनरल फॉर्मूला है, साइनेटो बच्चों इसका प्रीफिक्स है और साइनेट बच्चों इसका क्या है सफिक्स है। ऐसे हमारे पास होता है साइनेट्स होता है RNCO, आइसोसाइनाइटो और आइसोसाइनेट। ऐसे नाइट्रेट है, नाइट्रेट होता है RNO2, नाइट्रोसी एंड नाइट्रेट इसका क्या है सफिक्स है। ऐसे बच्चों हमारे पास है नाइट्राइल यानी कि RCN, या तो इसका हम प्रीफिक्स साइनो है और सफिक्स इसका या तो साइनाइड लिख सकते हैं या नाइट्राइल लिख सकते हैं। आइसोनाइट्राइल, जहां CN हो और अगर NC आया था वहां पर हमारा आइसो है और CN हमारा क्या है साइनो है। क्लियर है बात। नाइट्राइट में RONO,
नाइट्रोसी लिखते हैं या नाइट्राइल लिखते हैं, तो आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं, नाइट्राइट या नाइट्रोसी इसका प्रीफिक्स है, नाइट्राइट इसका सफिक्स है, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, CH3NO2। क्लियर है इतनी बात, फटाफट नोट करें इसको। देखो बच्चों आपको लर्न रखना है कि हाँ जी पूरी केमिस्ट्री में ये आपके फंक्शनल ग्रुप होंगे जो आपको यूज होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा ग्रुप है, इसका नाम क्या है, इसका प्रीफिक्स क्या है और इसका सफिक्स क्या है, फटाफट इसको नोट करें। तो बच्चों हमारे पास अब फंक्शनल ग्रुप है नाइट्रो कंपाउंड, ठीक है बच्चों। तो नाइट्रो में कहां पर भी NO2 R अपना वही CH3 CH2 CH3 वगैरह, उसमें अगर NO2 जुड़ जाए तो वो हमारा क्या होता है, नाइट्रो। और अगर NO हो तो बच्चों उसे बोलते हैं नाइट्रोसो, SH जुड़ा हो उसे बोलते हैं थायोल थायोल, और अगर H को हटा के उसकी जगह भी मैं अल्काइल ग्रुप जोड़ दूं तो उसको बोलते हैं बच्चों सल्फाइड। जहां पर दो होते हैं, दो SS ग्रुप लगे हों, उसे बोलते हैं बच्चों डाई सल्फाइड। तो देखो बच्चों थायोल का अगर हम प्रीफिक्स नेम देखें तो क्या है, सल्फिनल, और इसका सफिक्स नेम है थायोल, ठीक है बच्चों। इसका भी यही नेम है सल्फाइड और इसका हमारे पास सफिक्स नेम है सल्फाइड। अगर इसे देखें तो डाई सल्फनाइल और इसका जो सफिक्स नेम है वो डाई सल्फाइड। और अगर हमारे पास सल्फोक्साइड की बात करें तो बच्चों इसका जो प्रीफिक्स नेम है वो होता है सल्फिनाइल और इसका जो सफिक्स नेम है वो है सल्फोक्साइड। क्लियर है बात इतनी, चलो भाई। अब देखो सल्फोन, जहां पर भी RSO2R- मतलब वहां पर था हमारे सल्फोक्साइड में RSOR, यहां होता RSO2R- इसका सल्फोनाइल एंड सल्फोन। क्लियर है इतनी बात। अगला होता है सल्फिनिक एसिड, जहां पर भी SO2H आ जाए सल्फिनिक, SO3H आ जाए सल्फोनिक। क्लियर है बात इतनी, सल्फिनिक यानी SO2H, सल्फोनिक SO3H, इसका होता है सल्फिनो, इसका होता है सल्फो और इसका सफिक्स होता है सल्फिनिक एसिड और इसका होता है बच्चों सल्फोनिक एसिड। क्लियर है बात इतनी, फटाफट नोट करें और बिल्कुल लर्न कर लेना बढ़िया तरीके से ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना आए, नोट करो फटाफट। तो बच्चों हमारे पास है थायोसाइनेट RSCN, इसका प्रीफिक्स नेम होता है थायोसाइनेटो और सफिक्स नेम होता है थायोसाइनेट। दूसरा होता है RNSC, ये आइसो होता है, मैंने भी बताया था जहां पर CN है वो साइनो है और N हो जाए पहले तो वो होता है आइसो। क्लियर है। दूसरा आता है थायोन, जहां पर भी RSO R- ग्रुप हो जाए उसे बोलते हैं थायोन, इसका जो प्रीफिक्स नेम है थायोल और सफिक्स नेम है बच्चों थायोन। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें आपको उसे बोलते हैं डाई बेंजोरॉन हो जाएगा। ये हमारे पास कितना, देखो दो फिनाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं और SOR, तो ये हमारा क्या हो गया, सो हमारे फंक्शनल ग्रुप हो गए, फंक्शनल ग्रुप लगभग 49 हो गए। आपको देखो ये लर्न रखने हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से, कुछ एग्जांपल देखते हैं पहचानते हैं कौन कौन से हैं। तो देखो बच्चों ये आपको दिखाई दे रहा है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड वाले में आपको पता है कौन होते थे, एल्कीन, कौन होते हैं एल्कीन। ये क्या दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड में कौन होते हैं, एल्काइन। क्लियर, अभी से देखो मैंने बताया था जहां पर भी ये बेंजीन रिंग आ जाए तो बच्चों को ध्यान रखना है एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, कौन से होते हैं, एरोमेटिक। क्लियर है, अब इसमें देखो ये सारे हमारे कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड, ये सारे इसमें, तो इसे हम बोल सकते हैं साइक्लिक। ये कैसे हैं, साइक्लिक, इसमें रिंग बन रही है तो साइक्लिक है। ये देखो कौन है, एल्कोहल, ये कौन है, ईथर। मैंने आपको बताया था जब ऑक्सीजन से दो जुड़े होते हैं हमारे क्या होगा, ईथर। ये कौन है आप पहचान सकते हो बहुत आराम से, ये है एल्कोहल। अब देखो ये साइक्लिक भी है और ये क्या है, एल्कीन, तो साइक्लिक और एल्कीन दोनों है। इसमें देखो सिंपल है, एल्कीन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यह भी मैंने बताया जहां भी ऑक्सीजन से दो जुड़ जाए वो हमारा क्या हो जाता है बच्चों, ईथर। ये कौन है, एल्कोहल। ये कौन है बच्चों, एल्डिहाइड। और COH ग्रुप ने आपको बताया था क्या होता है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है बात, बहुत आसान है, अगर आपको सब चीज़ें पता होंगी तो बहुत आसानी से आप देख सकते बता सकते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप कहाँ यूज़ हो रहा है। क्लियर है बात इतनी, तो इस बच्चों इस क्लास में हमने पूरे फंक्शनल ग्रुप को कवर कर लिया, इस क्लास में सिर्फ इतना ही, थैंक यू।